सो हेलो दोस्तों यार, और स्वागत है एक और नई वीडियो में। पॉकेट एडिशन है ये वाला, और इस वीडियो को इतना लेट डालने के लिए बहुत बहुत सॉरी। तो यार बहुत सारे सब्सक्राइबर बार बार डाउट आ रहा है उन्हें, तो पहले ना यार जरा इंचैंटमेंट वगैरह के लिए बुक्स वगैरह इकट्ठा कर लेते हैं। इंचैंटमेंट का बहुत बड़ा डाउट चल रहा है, तो ये रही इंचैंटमेंट के लिए बुक्स। और मैं ज़रा अभी ये पॉकेट एडिशन ना यार मैं ज़्यादा नहीं खेलता, तो मैं इसको ज़रा पहले ढूंढ लूँ कि मुझे भी कौन कौन सी बुक्स चाहिए। देखो यार, मैंने जो एन्चैंटमेंट है, बढ़िया बढ़िया एन्चैंटमेंट बुक्स हैं, वो जावा एडिशन की, वो मैंने एक वीडियो बना रखी है ऑलरेडी, जिसका मैं लिंक आई बटन में डाल दूंगा। लेकिन यार वो सारी एन्चैंटमेंट जो है वो इसमें भी काम करेगी, मतलब आराम से। बस तुम एक बार देख लो कि एन्चैंटमेंट करते कैसे हैं। तो अभी मैं पहले ना नीचे ज़रा देख लेता हूँ। फॉर्च्यून 3 है ये हमें चाहिए, और उसके बाद हमको चाहिए अनब्रेकिंग 3 भी हमको चाहिए। ठीक है, तो अनब्रेकिंग 3 ले लेते हैं पहले, 4 ले लेते हैं, और फॉर्च्यून 3 एक ही काफ़ी है फॉर्च्यून 3। तो इनका जो एट्रीब्यूट्स है मैंने तुम्हें पहले बता रखा है। देखो यार, फॉर्च्यून 3 जो है वो अपना किस्मत अच्छी करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मतलब अगर तुम पिकेक्स में फॉर्च्यून 3 लगा दोगे ना, तो तुम्हारा चीज़ें मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 4 गुना बढ़ जाएगी, मतलब तुम्हारी किस्मत 4 गुना अच्छी हो जाएगी। तो मतलब एक एक ब्लॉक में तुम्हें 2 चीज़ें भी मिल सकती है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि तुमने एक कोल का ब्लॉक जो है वो तोड़ा और 2 कोल निकल गया उसमें से, ऐसा भी हो सकता है। तो मैं पहले ना एनविल लगा देता हूँ यहाँ पे। मेरे मूवमेंट्स थोड़े से तुम्हें नूब वाले लग रहे होंगे यार, कि इसमें मैं कैसे नूब की तरह चल रहा हूँ आगे पीछे, वो मैं ज़्यादा खेलता नहीं हूँ उसे। लेकिन मैं तुम्हें इसका डाउट क्लियर कर दूंगा आज, कि कैसे एन्चैंटमेंट करते हैं। एनविल लगाने के बाद डायमंड पिकैक्स मैंने रख दिया यहाँ पे, और डायमंड पिकैक्स में मैं डाल रहा हूँ यहाँ पर अनब्रेकिंग 3 तो नहीं, फॉर्च्यून डालेंगे इसमें। ठीक है, तो फॉर्च्यून डालेंगे और ठीक है एन्चैंट हो गई। बस इतना करना है, एन्चैंटमेंट करना तो बहुत आसान है। इतना करने के बाद एनिमल से हमने एन्चैंट कर दिया। अब तुम इसको यूज़ कर लो, जहाँ भी चाहो यूज़ कर लो। और देखो यार, इस वीडियो के बाद भी अगर कोई डाउट आता है ना, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में अपना डाउट पूरा बताना, कि कैसे तो क्या दिक्कत आ रही है, मतलब तुमसे एन्चैंट नहीं हो रहा है, या तुम्हें एनविल मतलब क्या हो रहा है, मतलब एनविल तुमसे बन नहीं रहा है, या फिर कुछ और डाउट है, आराम से पूछ लेना कमेंट सेक्शन में, बता दूंगा। वो मेरा कॉलेज चल रहा है आजकल, तो मैं थोड़ा बिजी हूँ। बाकी देखो यार, इसमें इसका फॉर्च्यून का ये अच्छा, देखो कोल मिलेगा ना, और तो कोल की खास बात यह कि अब कोल में हो सकता है एक में 2 कोल मिल जाए, एक ब्लॉक में 2 बार मुझे कोल मिल जाए, ये इसकी बहुत अच्छी वो है। थोड़ा और नीचे जाके देखते हैं। खैर चलो, ये एक एन्चैंटमेंट हो गया, तुमने देख लिया इसे कैसे एन्चैंट करना है। अब चलते हैं दूसरे की तरफ। अच्छे अच्छे एन्चैंटमेंट्स की वीडियो मैं लाता रहूँगा, कि कौन कौन से एन्चैंटमेंट तुम्हें करते रहना है। वो मैंने आई बटन में लिंक दोबारा डाल दूंगा, वो वीडियो भी देख लेना याद से, उसमें बहुत ही अच्छी है मैंने तुम्हें बता रखे एन्चैंटमेंट्स। उसके बाद ये एनविल जो है अपना, इसकी ज़रूरत हमें एनविल की अब है नहीं। और एक हमने स्वॉर्ड ले लिए, स्वॉर्ड रख लेते हैं। और स्वॉर्ड के लिए अभी हमको चाहिए स्वॉर्ड में अनब्रेकिंग लगाने की, देखते हैं अनब्रेकिंग स्वॉर्ड की ना, क्योंकि स्वॉर्ड में अनब्रेकिंग बेस्ट है। अनब्रेकिंग लगाओगे ना, तो स्वॉर्ड की वो ड्यूरेबिलिटी बहुत अच्छी बढ़ जाती है, मतलब तुम डैमेज तुम्हारी स्वॉर्ड को कम होगा बहुत ही। कोई आसपास है भी नहीं मारने के लिए, ये रहा घोड़ा, इसे मार के देखते हैं। खैर यहाँ पे भी इतना ज़्यादा कुछ पता चल नहीं पाएगा, मैं ऐसे ही ट्राई कर लेता हूँ इसे मारने का। लेकिन जब तुम क्रिएटिव में खेलोगे ना, तब इसका बहुत तुम्हारा फ़र्क नज़र आएगा कि कितना मस्त होता है। तो विलेजर तुम्हारे उसमें आएगा, मतलब विलेजर नहीं या फिर जो ट्रेडर होता है, और उससे तुम्हारा अच्छी अच्छी बुक्स ले लो उसके बदले। और अब ऐसा करते हैं कि और कोई एन्चैंटमेंट देखते हैं। अब ऐसा करते हैं कि मैं सारे जो एक यूट्यूब पे कमेंट आया था मेरे को, कि सारी चीज़ें एन्चैंट करना बताओ, सारे आर्मर। देखो मैंने पिकेक्स एन्चैंट करना बता दिया, स्वॉर्ड एन्चैंट करना बता दिया, अब ये मैं सारे आर्मर ले रहा हूँ। मैंने पहले अनब्रेकिंग लिया है, अनब्रेकिंग और प्रोटेक्शन यार, ये बहुत ही 2 इंपॉर्टेंट एन्चैंटमेंट्स हैं तुम्हारी आर्मर के लिए। अनब्रेकिंग से तुम्हारी आर्मर की ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाएगी, मतलब उसकी हेल्थ मतलब समझ लो बहुत ही धीरे से कम होगी। और उसके बाद प्रोटेक्शन से तुम्हारे को डैमेज कम पड़ेगा, मतलब जैसे तुम जब आर्मर के अंदर हो तो तुम्हें डैमेज कम पड़ेगा बहुत ही। तो मैं अभी एक एन्चैंट करके दिखाता हूँ तुम्हें, बस एक एक करके। पहले हेलमेट एन्चैंट करते हैं, और हेलमेट में मैं लगा रहा हूँ प्रोटेक्शन 4। ठीक है, प्रोटेक्शन 4 लगा दिया। उसके बाद थोड़ा और भी देखते कौन कौन से हैं हमारे पास। प्रोटेक्शन हो गया, और डायमंड लेगिंग्स में लगाते हैं प्रोटेक्शन 4। मेरे मूवमेंट्स थोड़े से तुम्हें नूब वाले लग रहे होंगे, मैंने तुम्हें बताया यार, मैं पॉकेट एडिशन ज़्यादा नहीं खेलता, इसलिए मुझे थोड़ा दिक्कत हो रही थी पहले, कि कैसे इसमें मतलब बार बार मूवमेंट में कंफ्यूज हो रहा था, कि मैं जावा एडिशन ज़्यादा खेलता हूँ। और यार अगर तुम्हें पॉकेट एडिशन डाउनलोड करना है ना, तो उसके लिए भी मैं तुम्हें बता दूंगा कि क्या तरीका है पॉकेट एडिशन फ्री में पूरा डाउनलोड करने का। अगर तुम्हें डाउनलोड करना होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं तुम्हें बता दूंगा कि कैसे डाउनलोड करते हैं। मैंने भी खुद उसी तरीके से डाउनलोड किया है आज। और देखो यार, मैंने इसको पूरा एन्चैंट कर लिया तुम्हारे सामने एनविल के अंदर रख के,
और अब मैं इसको ना पहन लेता हूँ पूरा का पूरा। तो पहनने के लिए हमको अपनी इसमें चलना पड़ेगा इन्वेंट्री में, हमारी खुद की जो इन्वेंट्री है उसमें ओके। तो देखो मैंने अभी ऑलरेडी दो तो एक पूरा आर्मर पहना हुआ है, लेकिन उसमें दो चीज़ें एनचेंट है बस, उसके शूज़ और उसके जो वेस्ट है वो एनचेंट कर रखी है मैंने, चेस्ट प्लेट जो है अपनी। अब मैं पूरा का पूरा एनचेंटेड मैंने पहन लिया है, और मैं दिखाता हूँ कि मैं कैसा लग रहा हूँ। सेटिंग्स पे जाके जरा इसका लुक चेंज करता हूँ। ओ नहीं, ये सेटिंग्स शायद, अच्छा नहीं ये वाली सेटिंग्स नहीं है, वो भी नया नया आया हूँ तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है, लेकिन कोई नहीं। कोई भी आगे पॉकेट एडिशन का डाउट होगा तो मुझसे ज़रूर पूछ लेना यार कमेंट्स में, या फिर कहीं पर भी इंस्टाग्राम पे भी मैं कुछ दिनों में डाल दूंगा। और मैंने डिस्कॉर्ड सर्वर बना दिया है, डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक जो है वो चैनल पे मिल जाएगा तुम्हें, जाके उस पर ज्वाइन कर लो। और देखो यार कितनी काफ़ी सही लग रहा है एनचेंटेड, देखो कितना मस्त लग रहा है। तो इतना यार बहुत आसान है, अभी भी कुछ डाउट हो तो कमेंट्स में ज़रूर पूछ लेना। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके चले जाना, और मिलते हैं अगली वीडियो में। और देखो कितना आसान था एनचेंट करना, कोई भी अब अगर कोई भी डाउट हो तो ज़रूर मुझसे एक बार पूछ लेना।